guys, how are you all? My name is Mukta Dheer and we were doing world mapping series. In this series, till now, we have covered water bodies, including oceans, seas and gulfs and deserts of the world. And we have covered mountains and plateaus. So this is basically fifth video in the series. This series may fifth video hai. And in this video, we'll cover straits of the world. तो स्ट्रेट्स के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. दोज हु वांटेड टू नो अबाउट मी, दे कैन हैव अ लुक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्ट्रेट. स्ट्रेट होती क्या है? स्ट्रेट इज बेसिकली अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स द टू सी या फिर दो जो बड़े वाटर बॉडीज है उनको कनेक्ट करता है. देखते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज अ स्ट्रेट विच मीन्स दिस इज कनेक्टिंग द टू बिग वाटर बॉडीज. अब ये कोई एक गल्फ भी हो सकती है, कोई एक सी भी हो सकता है, दो बड़े सी को कनेक्ट कर सकता है, दो ओशियंस को कनेक्ट कर सकता है. तो उसे बोला जाता है ये जो नैरो सा पैसेज है वाटर का जो कि कनेक्ट कर रहा है इन दो बड़े लार्ज वाटर एरियाज को, उसे बोला जाता है स्ट्रेट. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मैगेलन स्ट्रेट का आपको इमेज दिखाई है. ये आगे भी हम लोग देखेंगे इसके बारे में क्योंकि वर्ड मैप पे बहुत क्लियरली समझ में नहीं आता है कि ये स्ट्रेट है, बट दिस इज द स्ट्रेट. अब ये देखो मैगेलन स्ट्रेट, अब आपको यहाँ पे बिल्कुल एक नैरो सा पैसेज दिख रहा है जहां पे मैं ये रेड मार्क कर रही हूँ ना. तो ये बेसिकली साउथ अमेरिका का नीचे वाला पोर्शन है, साउथ अमेरिका का. तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो है ये कनेक्ट करती है. सिमिलरली जैसे हम जब हम वर्ल्ड मैप के अंदर देखते हैं तो एक साइड में यहाँ पे रशिया और यहाँ पे आपका पार्ट आ जाता है नॉर्थ अमेरिका. ये नॉर्थ अमेरिका का आपको ये अलास्का वाला पोर्शन दिखता है. इन दोनों के बीच में एक नैरो सा पैसेज है वाटर का जिसे बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट. अब ये बेरिंग स्ट्रेट क्या कर रही है? ये आर्कटिक ओशियन और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो है उसे कनेक्ट कर रही है. ठीक है, पैसिफिक ओशियन कह दो, या फिर अगर हम थोड़ा और इसको मैग्नीफाई होकर के देखें तो ये बेसिकली चुकची सी और बेरिंग सी को कनेक्ट कर रही है. ठीक है, तो बेरिंग स्ट्रेट जो है इसके जस्ट नियर बाय चुकची सी पड़ता है और अगर हम ऊपर वाला ओशन देखें सो दैट्स आर्कटिक ओशन और ये बेरिंग सी इसको ये कनेक्ट करता है. समझ में आ गया होगा अब आपको कि स्ट्रेट कहते किसे हैं. अब फटाफट से देख लेते हैं वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेट्स है कहाँ कहाँ पर. ये है हमारा वर्ल्ड का फिजिकल मैप. इसमें हम थोड़ा सा पहले चीजों को कवर करते हैं, फिर एक बार मैं आपको लोकेशंस बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे स्ट्रेट्स है, फिर उसके बाद में हम इसे ब्लैंक मैप पे मतलब कि अच्छी तरीके से कवर करेंगे. ये देखो, ये है बेरिंग सी, ये बेरिंग स्ट्रेट देखी थी ना अभी हमने, बेरिंग स्ट्रेट, ये वही बेरिंग स्ट्रेट है. ठीक है, फिर उसके बाद में ये आपकी गल्फ ऑफ अलास्का है जो हम वाटर बॉडीज में कवर कर चुके हैं. यहाँ पे आपको बफिन बे और यहाँ पे आपको लेब्राडोर सी दिख रहा है. इनके बीच में ये जो वाटर का पैसेज है इसे बोला जाता है डेविस स्ट्रेट. ठीक है, इसे बोला जाता है डेविस स्ट्रेट और ये है ग्रीनलैंड, दिस वन इज आइसलैंड, इसके बीच में है डेनमार्क स्ट्रेट. ठीक है, इसके बीच में है कौन सी स्ट्रेट? डेनमार्क स्ट्रेट. अब इसके बाद में हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं. यहाँ पर हमने देखा ये अपने गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको जिसे हम वाटर बॉडीज में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. गल्फ ऑफ मेक्सिको और कैरेबियन सी के बीच में यहाँ पे यूकाटन चैनल मिलता है, दिस वन इज यूकाटन चैनल. और ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज योर फ्लोरिडा पेनिनसुला. ये फ्लोरिडा पेनिनसुला के बीच में और फ्लोरिडा पेनिनसुला और ये आपके एंटलीज आइलैंड्स है, इनके बीच में एक नैरो सा ये वाटर का पैसेज है जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको और सार्गासो सी को कनेक्ट करता है. इसे बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा. कौन सी स्ट्रेट है ये? ये है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा. अब नीचे आ जाओ, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट प्रीवियस स्लाइड के अंदर दिखाया था कि मैगेलन स्ट्रेट वो आपकी यहाँ पर पड़ती है, इसमें नहीं दिखाई दे रही है बट वो यहाँ पर पड़ती है. बहुत नैरो सा पैसेज है मैगेलन स्ट्रेट जो कि अटलांटिक ओशन और जो आपका पैसिफिक ओशन है उसको कनेक्ट करती है. फिर उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, दिस वन इज अफ्रीका के अंदर, ये है मोजाम्बिक चैनल. मोजाम्बिक चैनल के थोड़ा ऊपर चलो, ये है आपका रेड सी, है ना, रेड सी और ये है गल्फ ऑफ एडन. रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता हुआ एक छोटा सा नैरो सा पैसेज है यहाँ पे जिसे बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ बाबले मंडाब. अभी यहाँ पे मैं कोई नाम नहीं लिख रही हूँ अदरवाइज बहुत ज्यादा क्लटर सा हो जाएगा. हम ब्लैंक मैप पे जो कि अभी हम आगे करेंगे उसमें मैं एक एक नाम बहुत अच्छी तरीके से मेंशन करूंगी. ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है. ठीक है, तो बाबले मंडाब हो गया ये, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ एंड दिस वन इज, ये है आपकी गल्फ ऑफ ओमान.
पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने वाला ये नैरो सा जो वाटर का पैसेज है, इसे बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। क्या बोला जाता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यहाँ पे आपकी रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है स्वेज कैनाल, यहाँ पे पड़ती है गल्फ ऑफ अकाबा, और यहाँ पर दिस वन इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि अटलांटिक ओशन को किससे कनेक्ट करती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी से। तो कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ आपकी जिब्राल्टर। यहाँ पे आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द ब्लैक सी, है ना। अब ये ब्लैक सी जो है, ये इसके पास में एक छोटा सा यहाँ पे आपको और सी दिखाई दे रहा है, दिस इज सी ऑफ मरमरा। तो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा जो है वो आपस में कनेक्टेड है इस स्ट्रेट ऑफ, ये जो बॉस्पोरस स्ट्रेट है उससे कनेक्टेड है, और फिर सी ऑफ मरमरा जो है वो एजियन सी से कनेक्टेड है आपकी ड्रेडेनल्स स्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, तो ड्रेडेनल्स स्ट्रेट खैर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बॉस्पोरस स्ट्रेट ध्यान रख लीजिएगा, काफी है। तो ब्लैक सी मरमरा सी से जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू? जो आपकी बॉस्पोरस स्ट्रेट आती है उसके थ्रू। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये आपके ब्रिटिश आइलैंड्स हैं, ब्रिटिश आइलैंड्स हमने देख लिए सारे, ये नॉर्थ सी है, यहाँ पर है इंग्लिश चैनल, ये ऊपर वाले पूरा ब्रिटिश आइलैंड्स है, ये यूके है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल नॉर्थ सी से कौन सी स्ट्रेट के द्वारा जुड़ा हुआ है? स्ट्रेट ऑफ डोवर के द्वारा। कौन सी स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ डोवर के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको बेरेंट सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्रास सी है, बेरेंट सी क्रास सी से जुड़ा हुआ है क्रास स्ट्रेट के द्वारा। कौन सी स्ट्रेट के द्वारा? क्रास स्ट्रेट के द्वारा। अब यहाँ पे आ जाओ इंडिया पेनिनसुला, इंडिया पेनिनसुला यहाँ पे देखो, ये इंडिया श्रीलंका के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट है ये? पाक स्ट्रेट। एक एक नाम लिखेंगे अभी हम, आगे करेंगे, ठीक है। तो ये है मलय पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला, और ये पूरा का पूरा आपका सुमात्रा आइलैंड आते हैं, मलय पेनिनसुला और सुमात्रा आइलैंड, ये वाला है मलय पेनिनसुला, दिस वन इज सुमात्रा आइलैंड। तो मलय पेनिनसुला और सुमात्रा आइलैंड के बीच में जो एक नैरो सा चैनल आता है वाटर का, उसे बोला जाता है मलाका स्ट्रेट। ये नीचे वाले आइलैंड जो है, दिस इज जावा आइलैंड, और सुमात्रा और जावा के बीच में आपको मिलती है सुंदा स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट मिलती है? सुंदा स्ट्रेट। यहाँ पर ये पापुआ न्यू गिनिया है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अराफुरा सी और कोरल सी को कनेक्ट करती हुई एक स्ट्रेट है जिसका नाम है टोरेस स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट है? टोरेस स्ट्रेट। फिर नीचे आ जाओ, ये आपका तस्मानिया आ जाता है, और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास स्ट्रेट है। ये आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का जो नॉर्दर्न आइलैंड है और जो ये साउदर्न आइलैंड है, इनके बीच में जो स्ट्रेट मिलती है उसको कुक स्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे ये आपका चाइना, ये ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे ताइवान है, तो यहाँ पे ये ताइवान आइलैंड्स हैं, ठीक है, ताइवान आइलैंड, और ये इधर इनके बीच में यहाँ पे पाई जाती है आपकी ताइवान स्ट्रेट। फिर ये है आपका कोरियन पेनिनसुला, दिख रहा है येलो सी, ये कोरियन पेनिनसुला, सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी को, और ये आपके पूरे के पूरे जापान आइलैंड्स हैं। तो सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट मिलती है जिसका नाम है सुशुशिमा स्ट्रेट, या फिर कोरिया स्ट्रेट जिसको बोला जाता है। तो इतनी सारी स्ट्रेट्स हमें करनी है, ये आपके वेरियस एग्जाम्स के अंदर घुमा घुमा करके पूछी जाती है, लाइक इन द सेंस की रिपीट हो करके आती है। तो इन स्ट्रेट्स को अब हम ब्लैंक मैप पे अच्छे से करते हैं। समझ में आ गया कि हमने क्या क्या चीजों की बात की है? अब यहाँ पे देखते हैं ब्लैंक मैप पे इसको थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ जिससे कि ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। यहाँ पे पड़ती है आपकी बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, जस्ट अ सेकेंड। अगर इन केस यहाँ पे क्लियरली नहीं अभी दिख रहा हो आपको, अगर ये कट रहा हो पोर्शन, तो आपको जब हम इसको वापस जूम आउट करेंगे तब आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ये हो गई बेरिंग स्ट्रेट, ये आपकी गल्फ ऑफ अलास्का है ही। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे आए थे, ये आपकी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, ये हडसन बे है। यहाँ पर आ जाओ, ये हमने क्या देखा था? हमने ऊपर ये लैब्राडोर सी और ये बफिन बे देखी थी, है ना। इसके बीच में यहाँ पे हमें मिलती है डेविस स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, ये है डेविस स्ट्रेट मैंने बनाई है, ये स्ट्रेट है। यहाँ पे आपकी आ जाती है डेनमार्क स्ट्रेट। कौन सी है ये? डेनमार्क स्ट्रेट,
डेनमार्क स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट हो गई, डेनमार्क स्ट्रेट। देन यहां पे आ जाओ, ये हमारी गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ये हमारे कैरेबियन आइलैंड है, इसके बीच में ये हमने चैनल देखा था, क्या नाम है इस चैनल का? इस चैनल का नाम है यूकाटन चैनल, यूकाटन चैनल, ठीक है। ये फ्लोरिडा पेनिनसुला है, यहां पर गल्फ ऑफ मेक्सिको और आपका सार्गासो सी। यूकाटन चैनल किसके बीच में है? गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड ये क्या है? कैरेबियन सी, जबकि ये है सार्गासो सी। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको और सार्गासो सी के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, राइट, ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे पड़ती है आपकी मैगेलन स्ट्रेट, मैगेलन स्ट्रेट, मैगेलन स्ट्रेट। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं बीच में हम, अफ्रीका, यहां पे ये कौन सा है? मोजाम्बिक चैनल, क्या नाम है इसका? मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, मोजाम्बिक चैनल। ये है आपका रेड सी और ये हमने देखा था गल्फ ऑफ एडन। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करने वाली कौन सी स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडाब, बाब अल मंडाब, मंडाब, बाब अल मंडाब स्ट्रेट। यहां पे आपका पर्शियन गल्फ, ये है पर्शियन गल्फ और ये वाली कौन सी है? ये पर्शियन गल्फ है और ये है गल्फ ऑफ ओमान। इनके बीच में ये जो नैरो पानी का पैसेज है ये कहलाता है स्ट्रेट ऑफ होर्मूज, स्ट्रेट ऑफ होर्मूज, कौन सी स्ट्रेट है? होर्मूज स्ट्रेट, ठीक है। यहां पे आ जाओ, ये स्ट्रेट, ये आपका पूरा मेडिटेरेनियन सी है, दिस वन इज अटलांटिक ओशियन। मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, कौन सी स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे ये है आपका ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे डिटैच बताया है क्योंकि ये मैप जो है एक्चुअल में स्केल पे मैप नहीं है तो ढंग से नहीं बना हुआ है। यहाँ पे ये कनेक्टेड है आपका सी ऑफ मरमरा के द्वारा, कौन से उससे? ये कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन सी से। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट हमने देखी थी? स्ट्रेट बॉस्पोरस स्ट्रेट, क्या नाम था इसका? एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, बॉस्पोरस स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्ट्रेट, राइट, ये है आपकी बॉस्पोरस स्ट्रेट। यहां पे फिर हमने देखा ये ब्रिटिश आइलैंड्स है, ये कौन सा चैनल था? दिस वन इज इंग्लिश चैनल, ये है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी, दिस वन इज नॉर्थ सी। इनको कनेक्ट करने वाली यहाँ पे जो स्ट्रेट है वो है आपकी स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नाम इसका, स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर, डन। ये आपकी गल्फ ऑफ बोथनिया वगैरह ये सब आ गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं, दिस वन ये आ जाता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको दिख रहा है नैरो सा पैसेज, इसे बोला जाता है पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट। ये है आपका मलय पेनिनसुला, ये मलय पेनिनसुला और ये नीचे वाला है सुमात्रा, दिस वन इज सुमात्रा और ये है मलय पेनिनसुला। इनके बीच में जो ये स्ट्रेट है इसका नाम है मलाक्का स्ट्रेट, ये ट्रेड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है मलाक्का स्ट्रेट। सिमिलरली जैसे कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड परस्पेक्टिव से, तो वैसे ही मलाक्का स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट पड़ती है। इनफैक्ट ये आपके इंडोनेशिया के सुमात्रा और ये जावा आइलैंड है ना, सुमात्रा और ये है जावा, सुमात्रा और जावा आइलैंड्स के बीच में जो स्ट्रेट पड़ती है उसका नाम है सुंडा स्ट्रेट, कौन सी स्ट्रेट है? सुंडा स्ट्रेट,
ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे अराफुरा सी है, यहाँ पे आपका कोरल सी पड़ता है, तो इनके बीच में जो ये स्ट्रेट है ये कहलाती है आपकी टॉरेस स्ट्रेट। टॉरेस स्ट्रेट कौन सी स्ट्रेट है? टॉरेस स्ट्रेट। यहाँ पे हमने देखा तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी स्ट्रेट थी? बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट हो सकता है कि आपको अभी यहाँ से क्लियर ना दिखाई दे, जस्ट अ सेकेंड। बास स्ट्रेट, बट अभी मैं इसको जूम आउट करूंगी तो एग्जैक्टली क्लियर दिखाई दे जाएगा। न्यूजीलैंड में नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड जो है उसके बीच में कौन सी स्ट्रेट है? दिस वन इज कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट। यहाँ पे आ जाओ ऊपर, ऊपर की तरफ हमने देखा था, यहाँ पे ये है ताइवान, ये ताइवान, और यहाँ पे जो पड़ती है स्ट्रेट उसको बोला जाता है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट। ये है आपका कोरियन पेनिनसुला, दिस वन इज योर कोरियन पेनिनसुला, ये कोरिया पेनिनसुला है ना, तो कोरियन पेनिनसुला ये आपका येलो सी पड़ जाता है, ये आपके सारे के सारे जापान के आइलैंड्स हैं, जापान के आइलैंड्स, और यहाँ पे सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी के बीच में जो ये स्ट्रेट पड़ती है इसको बोला जाता है कोरिया स्ट्रेट, या फिर इसका एक और नाम है विच इज सुशुशिमा स्ट्रेट। सुशुशिमा या फिर कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट दिख रहा है आपको? ये है कोरिया आइलैंड, ये आपकी गल्फ ऑफ पोहाई पड़ती है, ये हो गया आपका जापान आइलैंड होनशु होकाइडो, और ये आपका शिकोकु क्योशु, ये इधर की तरफ आ जाता है सी ऑफ जापान, दिस वन इज योर ईस्ट चाइना सी, और बीच में पड़ जाती है कोरिया स्ट्रेट, और यहाँ पे आपकी बेरिंग स्ट्रेट आ ही जाती है, जैसे हमने उधर भी देखा था बेरिंग स्ट्रेट है ना, तो ये सारी की सारी स्ट्रेट्स जो है वो आपकी कंप्लीट होती है इसके साथ में। जस्ट अ सेकेंड, नाउ आई होप इट इज क्लियर। अब अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है आपको सारी स्ट्रेट, हमने इसके अंदर जो जो भी बातें की वो सारी स्ट्रेट इसके अंदर कवर कर ली है, बेरिंग स्ट्रेट से लेकर के युकाटन चैनल, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट, जो मोजाम्बिक चैनल है, बाबले मंडाब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आप थोड़ा सा एक बार से मैप में देख लीजिएगा कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, मैंने वैसे आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, बट आप इसे अपने जो जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे भी एग्जैक्टली लिख लीजिएगा, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करेंगे उससे ज्यादा अच्छी तरीके से याद होगा। देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया, बॉस्पोरस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इंग्लिश चैनल, स्ट्रेट ऑफ डोवर, एंड देन वी हैव सीन पार्क स्ट्रेट, मलाका स्ट्रेट, सुंदा स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट, सुशुशिमा या आपकी कोरिया स्ट्रेट एंड बेरिंग स्ट्रेट, ये तो एक ही है, ये दो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ग्लोब है तो यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, इसीलिए मैंने आपको जो ये वाला पहले वाला था इसमें, इसी वजह से मैंने आपको ये बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे दिखाई, जैसे कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपके माइंड में कि ये अलग अलग पैसेज नहीं है। तो ये इतनी स्ट्रेट्स आपको अच्छी तरीके से करनी है, और इसमें से भी अगर बहुत ज्यादा अगर आप मतलब पूछें कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी है, कई बार बच्चे पूछते हैं, तो उसमें आप देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप डेविस स्ट्रेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिंग स्ट्रेट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, डेनमार्क स्ट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, बॉस्पोरस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, उसके अलावा मलाका स्ट्रेट, उसके अलावा कुक स्ट्रेट, एटलीस्ट आप इतनी तो याद कर ही लेना, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही मैंने बहुत ज्यादा नहीं कराई है, चार पांच ही और छोड़ी है, कर कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो नाउ इट इज टाइम टू सी व्हाट वी हैव लर्न्ड, अभी तक हमने क्या चीज पढ़ी, आप इसे जरूर से अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, अगर आपने सारी स्ट्रेट अच्छी तरीके से कंप्लीट की है तो दिस इज अ टाइम टू अटेम्प्ट इट, टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ में आ गया है अच्छी तरीके से, आप ब्लैंक मैप में आप अच्छी तरीके से फिल कर पा रहे हैं या नहीं, तो एक बार इसे 5 मिनट के लिए पॉज करके जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड दीज आर फ्यू प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन ज्वाइन मी, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी सीरीज उसके बाद में इसकी PDF में टेलीग्राम के जो चैनल है मेरा इसके ऊपर अपलोड कर दूंगी। इसके बाद में इस वीडियो के बाद में जस्ट एक ही वीडियो और है जिसमें हम लोग वर्ड मैपिंग में जो एक ही वीडियो बचा है जिसके अंदर हम लोग जितनी भी मेजर रिवर हैं उनके बारे में कवर करेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उनके बारे में हम लोग देखेंगे।
तो एक लास्ट वीडियो है, उसके बाद में हमारी वर्ड मैपिंग सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट अ लाइक बटन. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे कनेक्टेड. बाय.